स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में सिविल सर्जन ने किया पांड्रा मोड़ स्थित रेफरल अस्पताल का निरीक्षण। चालू करने की कवायद तेज। लगभग 10 वर्ष पूर्व बनकर तैयार पांड्रा मोड़ स्थित रेफरल अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से बुधवार की दोपहर अस्पताल की जाँच सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत के नेतृत्व में की गई। हालांकि विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता उक्त अस्पताल को रेफरल अस्पताल के रूप में चालू करवाने को लेकर विधानसभा में कई बार सवाल कर चुके हैं, परंतु स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उसे तत्काल सीएचसी के रूप में ही चालू करने का निर्देश दिया गया है। भवन जांच के क्रम में विधायक अपर्णा सेन गुप्ता मौजूद थी। बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पांड्रा स्थित बने अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। हालांकि अभी तक स्पेशल डिवीजन द्वारा हम लोगों को भवन स्थानांतरित नहीं किया गया है। जब तक स्वास्थ्य विभाग को भवन स्थानांतरित नहीं हो जाता है तब तक लोग अस्पताल चालू नहीं कर सकते। वहीं विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा। धनबाद से पप्पू केवट की रिपोर्ट। इसके लिए लड़ाई लड़े हैं और लगातार इसको विधानसभा में उठाए हैं और जनता के हित में ये बहुत बड़ा एक अस्पताल जो चालू होने वाला है, क्या कहेंगे आज? आज बहुत खुशी की बात है और जब 2005 में हम जैसा विधानसभा जनता का आशीर्वाद और प्यार से जब हम विधायक बने थे और कुछ समय के लिए मंत्री भी बने थे, उस समय से ही मेरा सोच रहा कि निशा विधानसभा में हम ऐसा कुछ काम करेंगे, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, जनता से जुड़ा, जो जनता को सहयोग कर पाए, उसी के तहत स्वास्थ्य को देखते हुए हमने ये जो पांड्रा मोड़ में जो रेफरल हॉस्पिटल आज देख रहे हैं कि उस समय हमने शिलान्यास किए थे और बीच में फिर हम जब 2009 और 14 में चुनाव जब हम हार गए, लेकिन चुनाव हम हारे थे, मन से हम हारे नहीं थे, लगातार मेरा प्रयास रहा, कोशिश रहा और पुनः जब 2019 में फिर निशा विधानसभा जनता का अपार आशीर्वाद और प्यार मिला और मेरा एक सपना भी था जो मेरा अधूरा काम पड़ा हुआ है उसको सबसे पहले हमको पूरा करना है। जैसे बारबिंदिया पुल है, जो पुल आप लोग देख रहे हैं आए दिन इतना बड़ा बड़ा घटना हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही घटना घटा, इस विषय में भी हमने विधानसभा क्वेश्चन किए, राज्य से लेकर केंद्र की टीम का हम लोग जांच करवाएं, इसमें भी लगे हुए हैं जल्द से जल्द पुल बनवाने के लिए। और ये जो हॉस्पिटल है पांडा मोड़ में, जो हॉस्पिटल अभी हम लोग जहाँ खड़ा है, इसके लिए भी लगातार हम विधानसभा क्वेश्चन से लेकर विधानसभा बाहर धरना से लेकर अंदर विधानसभा के अंदर भी या फिर विभाग का जो पदाधिकारी लोग हैं उनसे भी जब भी रांची जाते थे हाथ जोड़ के सबसे नम्र निवेदन करते थे कि जल्द से जल्द ये हमारा हॉस्पिटल को चालू करवा दीजिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ और आज ये सपना पूरा हो रहा है। करीब करीब काम कंप्लीट हो गया है। अभी सिविल सर्जन साहब आए थे और हम लोग अभी निरीक्षण के लिए यहाँ आए हुए थे, कुछ काम और बाकी है अभी, जैसे बाहर में फेवर ब्लॉक लगाना है, फिर जो बाउंड्री है उसको बनवाना है, पानी का कुछ है और पानी का बढ़ाना होगा, जैसे एक कुआं है अभी 2-3 कुआं और बनवाना है, तो कुछ कुछ काम बाकी है और जल्द से जल्द लगता है एक दो महीना के अंदर, क्योंकि इसलिए अभी हम हैंड ओवर नहीं दे रहे हैं कि काम चल रहा है और जब तक कम्प्लीट नहीं होता है तब तक ज़्यादा समय है नहीं, हमको लगता है 1-2 महीना के अंदर ही शुरू हो जाएगा। और ये उद्घाटन जब होगा तो भव्य उद्घाटन होगा, क्योंकि ये निरसा विधानसभा जनता का एक बहुत बड़ा सपना कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द बने और आज